दोस्तों क्वेश्चन आप सामने देखिए, 18 मार्च 2023 की जो पटवारी परीक्षा हो चुकी है, और दोस्तों इसमें जो वर्क फ्रेंड्स ने बताया है कि कौन कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो दोस्तों पहला टॉपिक रहा कोडिंग डिकोडिंग से रहा है, और कुछ पासेस से क्वेश्चन आए हैं, एक सीडीएस से क्वेश्चन आया है, और एक जो विज्ञान है जो साइंस है उसमें से कुछ क्वेश्चन भौतिक फिजिक्स, कुछ केमिस्ट्री और कुछ बायोलॉजी, तीनों को क्वेश्चन मिले हुए और परसेंटेज, और एक भाई से फिर बाद में फिर पूछा गया तो उसने बताया कि उसमें एक टाइम एंड और एक परसेंटेज से क्वेश्चन आया था, और परसेंटेज का क्वेश्चन उसने बताया। अब क्या किस तरह से क्वेश्चन बैठा है, आइए दोस्तों ध्यान देते हैं उसी से। तो बताया कि विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है तथा उनका अंतर 450 है, तो कुल लड़के कितने हैं, कुल छात्र विद्यार्थी कितने हैं। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, एक सेकंडों में आप आंसर दे सकते हैं। लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दे रखा, यानी कि बॉयज़ एंड जो गर्ल्स है उनका जो अनुपात दे रखा उसने 5:2 दे रखा, और उसने अंतर दे रखा, क्या दे रखा, अंतर 450। अगर इनका अंतर निकाले तो कितना आएगा दोस्तों, 5 और 2 का अंतर कितना आएगा, 3, तो 3:1 का मान कितना, 450। तो 1:1 का मान कितना होगा दोस्तों, 3 × 3 = 15, 1:1 का मान 150 हो गया, ठीक है। और तो 1:1 का मान 150 है, तो इसी 1:1 का मान गुणा अपन 150 का गुणा यहाँ कर दें और 150 का गुणा यहाँ पे भी कर दें, ठीक है। अगर आपको लड़कों की संख्या पूछे तो 15×5 = 75, 750, और प्लस लड़कियों की पूछे तो 15×2 = 30, 300, लड़कियाँ कितनी थी, 300, इनको जोड़े तो 7×3 = 10, यानी कि 1050, कुल विद्यार्थी कितने थे, 1050 थे। तो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में फंस भी जाता है तो आप बड़े आसानी से इसको हल कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन और पूछा था, तानसेन का मकबरा ये है दोस्तों ग्वालियर में, कहाँ पे, ग्वालियर में। अगर तानसेन के गुरु का नाम अगर पूछ ले, तानसेन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो गुरु का नाम पूछ ले तो स्वामी हरिदास है ना। अगला क्वेश्चन है अंकोरवट का मंदिर कहाँ पे, तो कंबोडिया में। अगला वर्षा वर्मन किस खेल संबंधित है, शूटर संबंधित है ना। अगला टाइम एंड वर्क से, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आया था, तो ये दोस्तों इसको भी जान लेते हैं किस तरह से क्वेश्चन फंसा था। एक अन्य भाई ने बताया था, देखिए 6 आदमी या 4 महिलाएं किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी और 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। वेरी इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको लगता है कि बहुत कठिन होगा, इसमें या मतलब अथवा वाला क्वेश्चन है। देखिए कोई भी काम हुआ 6 आदमी या जितना काम 6 आदमी करेंगे उतना 4 महिलाएं करेगी। पहले महिलाएं ज़्यादा होती थी, लेकिन अब आदमी कुछ कमज़ोर होंगे तो महिलाएं उसके लिए, 4 तगड़ी महिलाएं ही उस काम को कर सकती है। आदमी उसमें ढीले डाले होंगे, तो जितना काम 6 आदमी करते उतना काम 4 महिलाओं ने कर दिया, और कितना टाइम लगा उनको, 18 दिन लगे। कितने दिन लगे 18 दिन लगे, लेकिन आदमी कम काम कर रहे हैं, महिला इसमें ज़्यादा काम कर रही है, ठीक है। अब पूछा है कि 3 आदमी, क्या पूछा इसने, 3 आदमी + 10 महिला, 3 आदमी + 10 महिला, तो अब अपने कुछ नहीं करना, या तो इसको सबको आदमी बना लो या सबको महिला बना लो। तो अपने को 6 आदमी है, अब 3 आदमी बनाने के लिए 2 से भाग करना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऐसे भी 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, या 3 आदमी आ जाएगा, कितना आदमी आ जाएगा, 3 आदमी आ जाएगा, 3 आदमी बराबर इसको काटें तो 2 महिला, जो 3 आदमी बराबर कितनी महिला होगी दोस्तों, 2 महिला होगी, तो यहाँ अपन 2 महिला लिख सकते हैं, 2 महिला + 10 महिला, ठीक है ना, ये सब महिला बन गई, तो 10 और 2 = 12 महिला, कितनी महिला होगी दोस्तों, 12 महिला, और ये किसी काम को कितने दिन में कर सकती, 1 दिन में कर लेगी, कितने दिन, माना कि 1 दिन पूरा कर लेगी। इधर कितनी महिला है अपने, 4 महिलाएं, और 18 दिन लगते हैं, 4 महिलाओं को कितने दिन लगे, 18 दिन लगे। तो अपनों को ये निकालना है कि 12 महिलाएं कितने दिन में पूरा करेगी, 1 था तो ये 12 नीचे आ जाएगा, 4 = 4, 4 = 3 = 12,
और 3 × 6 = 18, 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो इतना इजी क्वेश्चन था। और आगे दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन और भी हमने फोन लगाया है तो क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, वो हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों।